लिमिट क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट लिमिट वो सब चीजें वो डिसाइड करें. सो दिस पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस विद द एम, विद द ऑब्जेक्टिव कि वो इकोसिस्टम और एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो फिट है व्हीकल्स वो ही रहे, और जो पुराने हो चुके हैं व्हीकल्स जो काफी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उन्हें स्क्रैप कर दिया जाए, उन्हें हटा दिया जाए. बिकॉज दीज आर दोस व्हीकल्स जिन्हें हम मतलब बेचने का या उसका भी नहीं सोच सकते, दैट नीड्स टू बी स्क्रैप, इन्हें हटा दिया जाए. ठीक है, अब इस पॉलिसी के अंदर क्या होगा, जो लोगों के पर्सनल व्हीकल्स हैं उन्हें अपना फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा, उन व्हीकल्स का फिटनेस टेस्ट. ठीक है, एंड आफ्टर 20 इयर्स जिन व्हीकल्स को भी एक 20 साल हो चुके हैं उन्हें अपना फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा. ऑन द अदर हैंड अगर हम कॉमर्शियल व्हीकल्स जैसे आपके ट्रक्स हुए, टेम्पोज हुए, उनकी बात करें तो उन्हें अपना फिटनेस टेस्ट कब देना पड़ेगा, आफ्टर 15 इयर्स. यानी हमारे जो खुद के पर्सनल व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, स्कूटीज हैं, वो हैं, उन्हें हमें 20 साल बाद उनका फिटनेस टेस्ट कराना होगा. अगर आपका कोई भी व्हीकल 20 इयर्स ओल्ड है तो उसे फिटनेस टेस्ट के अंदर जाना पड़ेगा. और अगर कोई भी व्हीकल है जो अगर कॉमर्शियल यूज के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं, कॉमर्शियल व्हीकल है आपका, ट्रक हुआ, टेम्पो हुआ, तो क्या होगा, उसे 15 साल के बाद हमें फिटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा. या फिर अभी भी कोई ऐसा व्हीकल है जो 15 साल पुराना है तो उसे फिटनेस टेस्ट के अंदर जाना पड़ेगा. एंड अगर ये टेस्टों में ये व्हीकल फेल हो जाता है फॉर 3 टाइम्स, 3 मौके दिए जाएंगे. ठीक है, 3 बार अगर ये व्हीकल फेल हो जाता है देन ओनर विल नॉट बी अलाउड टू ड्राइव दैट पर्टिकुलर व्हीकल ऑन रोड. उसे वो व्हीकल स्क्रैप करना पड़ेगा. स्क्रैप नहीं करना चाहता, घर में रखना है रखो, लेकिन रोड पे अलाउड नहीं होगा. उसका फिटनेस सर्टिफिकेट वो नहीं देंगे क्योंकि वो 3 बार में भी वो पर्टिकुलर टेस्ट जो है, फिटनेस टेस्ट है, वो पास नहीं कर पाया. तो ये है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी. इन्होंने मेंशन की है इयर्स की कब कब उन्हें ये टेस्ट अंडरगो करना पड़ेगा. सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी इज दैट कि इट इज एनकरेजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स. ठीक है, कभी कभार हम अगर रोड पे जा रहे होते हैं हम देखते हैं कितने सारे व्हीकल्स है, वो कितना ज्यादा पॉल्यूशन और वो सब क्रिएट करके जा रहे होते हैं. ठीक है, तो उस सब चीजों को रोकने के लिए इतना दिल्ली में ऑड एंड इवन एनवायरमेंट पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का कितना प्रॉब्लम है, कितने सारे लोग मर रहे हैं एयर पॉल्यूशन से, तो वो सब प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी. ठीक है, तो ये सब बेसिकली नए व्हीकल्स आएंगे जो कि लेस पॉल्यूशन कॉज करेंगे. रिसाइकलेबल मटेरियल सच एज स्टील, प्लास्टिक, कॉपर जो स्क्रैपिंग मटेरियल से हमें मिलेगा, व्हीकल भले ही चलाने को राजी ना, चलाने के लिए हमें परमिशन ना मिले, लेकिन जब हम उसे स्क्रैप करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो भी मेटल्स यूज हुए हैं, कॉपर यूज हुआ है, स्टील यूज हुआ है, प्लास्टिक हुआ है, तो उसे हम रीयूज कर सकते हैं. ठीक है, सो ओवरऑल जो व्हीकल की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी. ओल्ड व्हीकल्स जब सारे स्क्रैप हो जाएंगे तो सेल भी बढ़ेगी. अभी हम सब जानते हैं कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इट इज नॉट डूइंग वेल, काफी घाटे में चल रही है. क्यों चल रही है, सबने व्हीकल्स खरीद लिए हैं ऑलरेडी, इट्स अ लॉकडाउन. ठीक है, कोई खरीदा नहीं जाता, किसी को कहीं जाना ही नहीं है. सो इससे क्या होगा, नए लोग नए व्हीकल्स खरीदेंगे, एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है ये स्टेप है और ये बूस्ट करेगा लोगों को नए व्हीकल्स खरीदने के लिए, क्योंकि उन्हें उनके पुराने व्हीकल्स स्क्रैप करने पड़ेंगे. एंड इट विल ऑल्सो बूस्ट फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ द व्हीकल्स. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप नया व्हीकल खरीदोगे तो वो कम पेट्रोल पिएगा ना, जितना पुराना करोगे उसका एवरेज उतना बेकार होगा. सो दिस वॉज द न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एनी प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी? ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट the National Commission for Elite and Healthcare Professions Bill. ठीक है, basically we are talking about all the important topics that were there in the last year which will come in your CLAT exam, which might come in your CLAT exam. ठीक है, लीगल जी के से रिलेटेड इनसे पूछ सकते हैं या इनके ऊपर बेस्ड आपसे कोई पैरा दे सकते हैं जिसके ऊपर आपको आंसर देना हो. तो इसमें एक व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी आई. अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है
सॉरी वो है नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस बिल। ये बिल जो है वो राज्यसभा ने पास किया था, ठीक है, और बाय वोट ऑन मार्च 16, 2021। अब ये बिल का मोटो क्या है, बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, क्यों आया है ये बिल। दिस बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द एडवांसमेंट इन हेल्थ सेक्टर, ठीक है, जो लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है, कंज्यूमर्स की चेंज हो रही है, क्या सर्विस प्रोवाइडर्स क्या जरूरत है हमें एक नए विजन के हिसाब से कि क्या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में किस चीज की जरूरत है, ठीक है। दिस पर्टिकुलर बिल विल बी मोर पेशेंट सेंट्रिक, कि पेशेंट को क्या जरूरत है, पेशेंट इज अ कंज्यूमर, ठीक है, पेशेंट को क्या सर्विस की जरूरत है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होती है, हॉस्पिटल आप जाते हो उसमें आपको किस किस चीजों से डील करना पड़ता है, तो ये बिल में वो सब कुछ लिया गया है। एंड इट इज फोकसिंग ऑन द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बेस्ड केयर, कि भाई ऐसा नहीं है जनरली आप हॉस्पिटल्स में जाओगे तो क्या होता है, ये डॉक्टर इस चीज से डील करता है, ये डॉक्टर इस चीज से डील करता है, बट कि भाई आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप हार्ट के डॉक्टर देखेगा, ठीक है, आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो वो देखेंगे, आपको दिमाग की प्रॉब्लम है वो देखेंगे। यहाँ पे बात होगी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, बिकॉज वेन देर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहाँ पे काफी सारे टीम की जरूरत होती है, आपको बीमारी कुछ और है लेकिन दूसरे ऑर्गन्स पे जब अफेक्ट पड़ता है तो वो टीम की भी जरूरत होती है, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर बिल टॉक्स अबाउट अ रेंज ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है, जो डायग्नोस करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, ट्रीट करेंगे क्रॉनिक और अक्यूट डिजीजेस को जिससे लोग डील कर रहे हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट को हेल्प रहे, ठीक है, दे विल ऑल्सो लुक आफ्टर द ओवरऑल प्रिवेंशन प्रमोशन वेलनेस एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिजीजेस, कि भाई कैसे डिजीज हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम COVID-19 ही ले लें, कैसे क्या लोग डील कर रहे हैं उससे, क्या प्रॉब्लम आ रही है वो सब कुछ, ठीक है, तो वो ये सब कुछ उसके लिए तो ये सब चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड है, जरूरी है, एज इट विल हेल्प देम, ठीक है। अब अगर इस बिल के, इस पर्टिकुलर बिल के हम की प्रोविजंस की बात करें, सो दिस पर्टिकुलर बिल का जो एम था, एम वाज फुलफिलिंग द लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स ऑफ द डॉक्टर्स, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया में अभी भी सफिशिएंट डॉक्टर्स नहीं है, जब COVID-19 जैसा पेंडेमिक आया, देन वी हैड टू आस्क फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, फिफ्थ ईयर स्टूडेंट्स टू स्टॉप डूइंग देयर दिस इंटर्नशिप एंड कम एंड हेल्प बी अ वॉलंटियर इन इट, क्योंकि हमारे पास उतने हेल्थ प्रोफेशनल्स ही नहीं है, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर बिल इट क्रिएटेड एन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, की कितना हमें एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, हमें हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए कितने डॉक्टर्स की जरूरत है, एंड ऑल्सो इट विल बेनिफिट 8 to 9 lakh प्रोफेशनल्स, कि उनको किसी का प्रमोशन होना है, इतने लोगों को रिक्रूट करना है, ठीक है, उन्हें एम्प्लॉय करना है, ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट रेट, लोग ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स बनेंगे, क्योंकि क्या होता है लोगों को लगता है कि अच्छा इसमें स्कोप नहीं है छोड़, बट वी रिक्वायर लॉट ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है। सो दीज प्रोफेशनल्स विल बी रेडी, ठीक है, जो ग्लोबल शॉर्टेज हो गया है उसकी डिमांड को फुलफिल करे, और उनका टारगेट क्या है, एंड दैट टू कंप्लीट द डिमांड ऑफ 1.80 प्रोफेशनल्स बाय 2030। यह उनकी सोच है, ये उनका स्कोप है कि 2030 तक हमें उनकी एम्प्लॉयबिलिटी की जो चीजें हैं वो पूरी करनी, ठीक है, by 2000, जो किसने प्रिडिक्ट की थी, जो इट वॉज प्रिडिक्टेड बाई WHO, ठीक है, WHO ने प्रिडिक्ट की थी कि इतना 2030 तक आपका जो है वर्कफोर्स होना चाहिए, अगर हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स, दिस पर्टिकुलर बिल प्रोवाइड्स रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कि क्या एजुकेशन इम्पार्ट होनी चाहिए, आप मेडिकल इंस्टीट्यूशन में क्या प्रोवाइड कर रहे हो, उनका करिकुलम क्या होना चाहिए, उनका सिलेबस क्या होना चाहिए, कितनी इंटर्नशिप्स होनी चाहिए, क्या क्या उन्हें सिखाना चाहिए उनके इंटर्नशिप के टाइम पे, या फिर
कॉलेज खत्म होने के बाद भी जो इंटर्नशिप चलती है उसमें उन्हें किसके अंडर करना चाहिए, पूरी गाइडेंस कैसे क्या होना चाहिए सब कुछ इसमें प्रोवाइडेड है. एंड ऑल्सो द असिस्मेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट रजिस्टर्स, सो ऑल दिस शुड बी प्रोवाइड. सो दिस बिल ऑल्सो सीक्स टू क्रिएट द सिस्टम टू इम्प्रूव द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है, कौन सा वायरस नया आ रहा है, कौन सा बैक्टीरिया आ रहा है, सब कुछ. ठीक है, नई आकांक्षा है टेकन अप द व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी एंड नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट. ठीक है, जहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल को हमने लिया है. ठीक है, ये बिल है नेशनल कमीशन फॉर एलीड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल. ओके, ठीक है. सो दिस बिल बेसिकली टॉक्स अबाउट कि हमें क्या हमारे हेल्थ केयर में या इन प्रोफेशनल्स में क्या क्या जरूरत है, कैसे हम इम्प्रूव करें. एक पूरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाई जाएगी जो कि इन डिजीजेस से, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस से डील करेगी. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, एनी प्रॉब्लम टू एनी वन इन दिस अप टिल नाउ? इज देयर एनी वन हु इज हैविंग एनी प्रॉब्लम? Okay, now next we will talk about marine aids to navigation bill. यहाँ पे बात हो रही है navigation की, जो आपकी समुद्री जो चीजें हैं. ठीक है, समुद्र में कैसे चीजें जा रही हैं, आ रही हैं, वहां किस चीज की जरूरत है, उसकी बात हो रही है. ये जो बिल था वो इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में 15 मार्च 2021. ठीक है, और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वॉज मूव्ड बाय मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मनसुख मंदाविया. ठीक है, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था. ये इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था, जो आपके समुद्र के थ्रू जो भी चीजें आती हैं जाती हैं, या फिर कोई भी आप बिजनेस करते हो, ठीक है, तो उसके लिए अब नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, कैसे हम नई टेक्नोलॉजीज को लागू करें. ठीक है, क्या क्या उन टेक्नोलॉजीज के लिए जरूरत है, तो वो सब चीजों की इसमें बात हुई है. ठीक है, एम क्या है? जो पुराना जो एक्ट है कॉलोनियल लाइट हाउस एक्ट 1927, उसको रिपील करना, उसे हटाना. सो जो 1927 में बना हुआ एक्ट है जो अभी भी चला रहे, कितना चेंज हो गया है अभी टेक्नोलॉजी में, नई चीजें आ गई हैं. 1927 में तो इतनी सारी चीजें थी भी नहीं, वो कैसे अभी तक चल सकता है. तो इनका मेन एम क्या था? सबसे पहले तो ये कॉलोनियल लाइट हाउस एक्ट को हटाना, जिससे अभी तक ये सब गवर्न हो रहा था. ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर बिल will also empower Director General of Lighthouses and Lightships. ठीक है, कि उन्हें additional powers and functions दें, कि उनके पास power होनी चाहिए. तो सबसे पहले उन्होंने कहा ये तो पुरानी चीजें चल रही हैं, इन्हें सबको हटाओ. अभी नया इतना सब कुछ आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गए, नए लोग आ गए, सब नए तरीके से सोच रहे हैं, बिजनेस की फॉर्म ही चेंज हो गई है. हाँ, अभी तो पुराना यूज किए जा रहे हैं, वहां अभी भी सब चल रहा है. अगर आप लोग IPC अभी भी उठा के देखोगे, वहां ठग और सब पायरेट्स और इन सब चीजों के बारे में बताया जा रहा है, अब है ही नहीं आजकल इतने वो. ठीक है, तो इसके प्रोविजंस क्या थे? बेसिकली दिस बिल बेसिकली प्रोवाइड अ फ्रेश फ्रेमवर्क टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज द वेसल ट्रैफिक सर्विसेज. कि शिप कौन सा अपॉइंट हुआ है, किस शिप से सामान जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गई सामान को ले जाने में जाने में, किसकी लाइबिलिटी होगी. ठीक है, तो इन सब चीजों में ये डील करता है. सो इट इज मैरीन एड्स एंड नेविगेशन. ठीक है, इंस्टेड ऑफ लाइट हाउस, पहले जो लाइट हाउस यूज होता था वर्ड, अब वो क्या है? मैरीन एड्स एंड नेविगेशन. ठीक है, समुद्र में जो भी चीजें आ रही हैं जा रही हैं, कैसे सब कुछ नेविगेट हो रहा है, कैसे उनकी मदद हो सकती है, उससे डील करता है. ठीक है, और इसका मेन एम क्या है? टू यूज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ एड्स. ठीक है, जो मॉडर्न फॉर्म्स है उसकी एड्स को यूज करना. ठीक है, उसमें वो करना कि उनका इस्तेमाल करके चीजें करना. ठीक है, एंड दिस बिल बेसिकली इनका मेन ऑब्जेक्टिव तो क्या है? वो पूरा 90 साल पुराना जो एक्ट है उसे हटाओ, अभी तक क्यों लगा हुआ है. ठीक है, विच इज गवर्निंग द लाइट हाउसेस. ठीक है, और जो नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं उन्हें हम अडॉप्ट करें. ठीक है, जो काफी हमें मदद करेंगे, अच्छे से हमारा बिजनेस या पूरा मैरिन नेविगेशन में जरूर मदद करेंगे. प्लस पूरा फ्रेमवर्क
बताएंगे इसके अंदर, इस पर्टिकुलर बिल के अंदर, कि हाउ टू एस्टैब्लिश, हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू मैनेज दी वेसल ट्रैफिक, ठीक है, कैसे शिप्स वगैरह का ट्रैफिक जो है उन्हें मेंटेन करें, किस कौन सा शिप परफेक्ट है जाने के लिए, इनके क्या टेक्नोलॉजी है, क्या टेक्निकल अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है उसे करें, पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि कैसे सब कुछ होना है, उनको फिट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना। तो ये सब चीजें इस पर्टिकुलर बिल में लाई गई कि पूरे नए तरीके से हम लोग ये सब चीजें करें। ओके, इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बिल। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बिल आपकी किस बारे में बात करता है? ये बात करता है, ठीक है, इट इज अ बिल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये बिल किन किन चीजों को, किन किन इंस्टीट्यूट को लाया था? ठीक है, एक तो था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, फिर था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, और एक था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, और ये क्या बिल एस्टैब्लिश करता है? ये बिल एस्टैब्लिश करता है एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ठीक है, ये एस्टैब्लिश करेगा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो कि एक्ट करेंगे एज द प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव बॉडी इन द इंस्टीट्यूट। ठीक है, कि प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ओके, सो दिस इट विल एक्ट एज द प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव बॉडी इन द इंस्टीट्यूट एंड दिस बोर्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल डायरेक्शंस, सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स इन द इंस्टीट्यूट। ठीक है, कि वो कैसे इन सब चीजों से डील कर रहे हैं, क्या उन्हें नई चीजों की जरूरत है, वो सब। ठीक है, तो बेसिकली जो इसका मेन एम क्या था, कि व्हाई दिस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एस्टैब्लिशिंग और बिहाइंड स्टार्टिंग दिस और विद द कमिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल वाज द फूड स्टोरेज जो प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, फूड स्टोरेज का काफी प्रॉब्लम आ रहा था और उस फूड स्टोरेज में क्या हो रहा था कि आप सामान यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, लोग उसे रख नहीं पा रहे थे उस पर्टिकुलर फूड स्टोरेज को। ठीक है, एंड फर्दर काफी सामान वेस्ट हो रहा था। ठीक है, 14 बिलियन का जो सामान था, फूड था, वो खराब हो गया, जहाँ इंडिया में लोग अंडर नरिशमेंट से, भूखमरी से मर रहे हैं, वहां इतना सामान जो है वो सारा वेस्ट हो गया है। ठीक है, ऑल ऑफ दैट गॉट वेस्टेड। तो इसका मिल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कि हम इन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू मैनेज करें सारी फूड चेन। ठीक है, उसके लिए जो स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग की जरूरत है, हम उसे देखें कैसे हम फूड को बचा के रख सकते हैं, कहाँ तो लोग भुखमरी से मर रहे हैं और कहाँ ये सब चीजें, सामान जो है फेंक रहा है, खाली हो रहा है, बेकार हो रहा है। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर लॉ will create jobs also, ठीक है, for the farmers and the entrepreneurs, और उन्हें बताया जाएगा कि कैसे आप अपने जो food grains हैं उन्हें अच्छे से संभाल के रख सकते हो, उन्हें store कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें उसमें बताई गई। Next है, what will be the functions of these institutes जिन्हें बनाया गया है। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, दिस बिल प्रोवाइड्स फॉर द फंक्शंस ऑफ द इंस्टीट्यूट, वो क्या है? ये जो इंस्टीट्यूट जो हमने अभी पढ़े, जो एस्टैब्लिश हुए हैं, वो क्या करेंगे? इट विल प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, रिसर्च, नॉलेज एंड डिसेमिनेशन द एरियाज ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या रिसर्च की जरूरत है, क्या आपको नॉलेज की जरूरत है, वो सब चीजें इस पर्टिकुलर उसमें आपको पढ़ाई जाए। नेक्स्ट इज टू होल्ड द एग्जामिनेशन एंड ग्रांट डिग्रीज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट। कि लोग इसमें एग्जाम्स लेंगे, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स के अंदर पूरे पढ़ेंगे क्या क्या नॉलेज की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है, वो सब करेंगे, एंड ऑल द अदर एकेडमिक डिस्टिंक्शंस एंड टाइटल्स। थर्डली क्या होगा? थर्डली ये बताएगा कि कितना टू डिटरमाइन एंड कलेक्ट फीस एंड अदर चार्जेस। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट विल बी to institute and make appointments, ठीक है, उन्हें appointments बनाएंगे for the academic and other posts excluding director,
ठीक है कि भाई क्या जरूरत है अपॉइंट करना, ठीक है, फॉर द एकेडमिक एंड अदर पोस्ट, ठीक है, डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, वो सब ये एग्जामिनेशन या ये है, क्या नॉलेज है, क्या करिकुलम है, लोग उसके अंदर पढ़ाई करेंगे, समझेंगे, वहां से निकले हुए लोग मदद कर सकेंगे कि भाई कैसे हमें अपने फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखना चाहिए. दिस विल बी अ होल प्रोफेशन. नेक्स्ट इज दी AICT, यानी इट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. रिसेंटली ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने क्या कहा है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, एंड अ नेशनल लेवल काउंसिल फॉर दी टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, जो काम करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन. उन्होंने क्या बोला है कि मैथ्स और फिजिक्स जो है वो मैंडेटरी नहीं है इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के. आज की तारीख में हम जानते हैं, अब अगर हमें जेई का एग्जाम देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जेई का एग्जाम देने के लिए मैथ्स साइंस फिजिक्स साइंस जरूरी है, मैथ्स एंड फिजिक्स जरूरी है. लेकिन ये जो AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ने क्या बोला है कि इसके लिए मैथ्स और फिजिक्स होना जरूरी नहीं है फॉर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, ठीक है. और उन्होंने क्या हाईलाइट किया है, उन्होंने कहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स जो है वो जरूर इम्पोर्टेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम फॉर इंजीनियरिंग सच एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन फॉर स्ट्रीम सच एज टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ये पढ़ना जरूरी नहीं है कि वो 12th स्टैंडर्ड में ये सब्जेक्ट्स पढ़े ही पढ़े. एंड दोज हु डू नॉट ऑप्ट फॉर दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है, विल हैव टू टेक अप ब्रिज कोर्सेज इन दी कॉलेज. मतलब 12th के अंदर आपको फिजिक्स मैथ्स लेने की जरूरत नहीं है इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि वहाँ मैथ्स और फिजिक्स की जरूरत नहीं है. जिन लोगों ने नहीं ली है वो कॉलेज में बाद में क्या कर सकते हैं, ब्रिज कोर्सेस कर सकते हैं. सो दिस न्यू रूल इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2021-22. और इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होंगे, स्टूडेंट्स हु आर सीकिंग एडमिशन फॉर सर्टेन इंजीनियरिंग कोर्सेज जैसे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ठीक है, उन्हें 10+2 पास करना पड़ेगा. और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन सब में से कोई भी सब तीन सब्जेक्ट्स में वो पढ़ाए होने चाहिए. फिजिक्स और मैथ जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है. और उन्हें कितना स्कोर होना चाहिए, 45% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 40% मार्क्स फॉर योर दिस रिजर्व कैटेगरी, ठीक है. और उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है, क्योंकि मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी नहीं होगी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, ठीक है, जो ये सब स्ट्रीम लेनी चाहते हैं आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर या बायोटेक्नोलॉजी, तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने सजेस्ट किया है टू इंट्रोड्यूस अ ब्रिज कोर्स इज मैथ्स एंड फिजिक्स, ठीक है, इन द इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द बेस ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. इन सब्जेक्ट्स का बेस मजबूत करने के लिए वो ब्रिज कोर्सेज लाए हैं. और इनिशियल सेमिस्टर में उन स्टूडेंट्स को जो इसमें नहीं है, जो अलग बैकग्राउंड से, ये करना पड़ेगा. सो दिस वर द थ्री थिंग्स वी डिस्कस टूडे, ठीक है. आई होप ऑल ऑफ दिस वाज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.